हेलो फ्रेंड्स, मैं आशीष, आपका स्वागत है टेक मास्टर माइंड यूट्यूब चैनल पर। इस बार नई साल के बधाई दें कुछ अलग अंदाज में, या फिर हर साल की तरह आप वही कॉपी पेस्ट पुराने मैसेज पुराने स्टेटस। इस बार मैं आपको बताऊंगा एक काइना मास्टर वीडियो एडिटिंग एप्लीकेशन है, उस एप्लीकेशन का यूज करके आप अपना खुद का स्टेटस कैसे बना सकते हैं, वो भी अपने फोटो के साथ में। तो फ्रेंड्स, अगर आपके पास काइना मास्टर का फुल वर्जन नहीं है तो उस टॉपिक पर मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बनाई है, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप जाकर उस वीडियो को देखें और वहां से आप उसका फुल वर्जन डाउनलोड कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, बने रहिए वीडियो के लास्ट तक। फ्रेंड्स, सबसे पहले आप काइना मास्टर ओपन कीजिए। जैसे आप ओपन करेंगे इस तरीके से ओपन होगा, जो प्लस का चिन्ह आपको दिख रहा होगा आप उस पर क्लिक कीजिए और इसमें से आपको 16:9 वाला ऑप्शन को सेलेक्ट करना है। इस वाले फ्रेम को मैंने सेलेक्ट किया, तो इस तरीके से आपके सामने ओपन होगा। सबसे पहले आपको बैकग्राउंड चूज करना होगा। आप बैकग्राउंड पर क्लिक कीजिए, इसमें से हम ब्लैक कलर का बैकग्राउंड चूज करेंगे। ब्लैक कलर पर सेलेक्ट कीजिए और यहाँ से राइट कॉर्नर पर टिक का ऑप्शन आ रहा होगा, आप इस पर क्लिक कीजिए। अब बैकग्राउंड ये अप्लाई हो चुका है, बट ये काफ़ी छोटा है, सिर्फ 4 सेकंड का। आप इस पर क्लिक कीजिए बैकग्राउंड पर, ब्लैक पर, और इससे आप जितनी लंबी वीडियो बनाना चाहते हैं उतना लंबा आप इस बैकग्राउंड को खींच लीजिए। अगर ज़्यादा भी हो जाएगा तो कोई बात नहीं, बाद में आप इसे क्रॉप कर सकते हैं। अगर कम रहेगा तो आप इसे बाद में बढ़ा भी सकते हैं। तो अभी मैंने 36 सेकंड का बढ़ा लिया है इसे और मैंने इसे अप्लाई कर दिया, जो राइट कॉर्नर पर टिक का ऑप्शन लगा हुआ है उस पर क्लिक करके। जब भी आपको कोई भी चीज़ अप्लाई करनी है या कोई भी चीज़ आप सेलेक्ट करते हैं, आपको राइट कॉर्नर पर जो टिक आ रहा है उस पर हर बार आपको क्लिक करके वो चीज़ अप्लाई करनी होगी। अब ये अप्लाई हो चुका है, अब मुझे लेयर पर क्लिक करना है। लेयर पर क्लिक करने के बाद आप टेक्स्ट पे क्लिक कीजिए। यहाँ पर आपको वो लिखना है जो भी आप विश करना चाहते हैं। जैसे मैं हैप्पी न्यू ईयर के लिए बनाना चाह रहा हूँ, तो सबसे पहले यहाँ पर आप टाइप कीजिए हैप्पी न्यू ईयर। हैप्पी न्यू ईयर टाइप करने के बाद ओके कीजिए और इसे आप अपने अकॉर्डिंग छोटा बड़ा कर सकते हैं, एडजस्ट कर लीजिए। जैसे मैंने यहाँ पर इसे सेंटर में एडजस्ट कर दिया है, और आप इसे हैप्पी न्यू ईयर को बढ़ा लीजिए जितनी लंबी आप वीडियो बनाना चाहते हैं। पूरे में अप्लाई कर लिया जितने में बैकग्राउंड हमारा अप्लाई है। ओके पे क्लिक किया, फिर से हम वीडियो के स्टार्टिंग में आ जाएंगे। लेयर पे क्लिक कीजिए, अब यहाँ पर मुझे लिखना है फ्रॉम, फिर से ओके कर दिया। आपको जो जो लिखना है, अगर आप चाहते हैं एक साथ लिख सकते हैं, अगर लेटर आप चाहते हैं छोटे बड़े हों तो उसका अकॉर्डिंग आपको अलग अलग लिखना होगा। फ्रॉम भी मैंने पूरे में अप्लाई कर लिया। ओके पे क्लिक करके इसे अप्लाई कर दिया, वापस आ गए वीडियो के स्टार्टिंग में। फिर से लेयर पे क्लिक कीजिए और यहाँ पे लिख दिया मैंने टेक मास्टरमाइंड, और आप उसे ओके कीजिए। आप जो भी लिखना चाहते हैं अपना नेम भी लिख सकते हैं, जैसे हैप्पी न्यू ईयर बाय आशीष कुमार या फ्रॉम आशीष कुमार, इस तरीके से आप अपना नेम भी लिख सकते हैं या उस पर्सन का भी नेम लिख सकते हैं जिसे आप विश कर रहे हैं। तो हैप्पी न्यू ईयर, जैसे मैं राकेश को विश कर रहा हूँ तो हैप्पी न्यू ईयर राकेश, इस तरीके से। ठीक है फ्रेंड्स, इसको भी मुझे पूरी वीडियो में अप्लाई करना है। पूरी वीडियो को मैंने इस तरीके से सेलेक्ट कर लिया, आप इसे ओके कीजिए। राइट कॉर्नर पर जो टिक लगा हुआ है वहाँ पर क्लिक करके ओके किया, फिर से आप लेयर पर क्लिक कीजिए, टेक्स्ट पर जाइए। यहाँ पर मुझे लिखना है 2021, क्योंकि हम इसी ईयर को विश करने वाले हैं। इस तरीके से एडजस्ट किया। मुझे सेम इसी का एक डुप्लीकेट भी चाहिए, तो डुप्लीकेट करने से पहले आप इसे पूरे में अप्लाई कर लीजिए, क्योंकि पूरे में अप्लाई करने के बाद जब आप डुप्लीकेट करेंगे इसका तो वो ऑलरेडी पूरे में अप्लाई ही रहेगा। तो 3 डॉट पे क्लिक किया, यहाँ पर लेफ्ट कॉर्नर पर डुप्लीकेट पे क्लिक कीजिए आप, तो यहाँ से एक डुप्लीकेट हो चुका है। उसके बाद यहाँ से सेलेक्ट करके आप इसे हटाइए। मैंने इस साइड से भी इसको एडजस्ट कर दिया है। मुझे एक और डुप्लीकेट चाहिए, तो उसके लिए फिर से 3 डॉट पर क्लिक कीजिए, डुप्लीकेट पर क्लिक कीजिए और यहाँ से उठा के हम एक यहाँ पर रख देते हैं। इसलिए मुझे थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं इसे, और टेक मास्टर बटन इससे भी थोड़ा बड़ा कर देते हैं। इस तरीके से अपने अकॉर्डिंग आप इसे एडजस्ट कर लीजिए, और ओके कर दिया मैंने। ये सारी चीज़ें इस तरीके से एडजस्ट हो गई हैं। अब मुझे इसमें अपना फ़ोटो लगाना है, तो सबसे पहले आप लेयर पर क्लिक कीजिए और मीडिया पर जाइए। फ़ोटो सेलेक्ट करने से पहले सबसे पहले आपको एक कलर सेलेक्ट करना होगा। जैसे मैंने ये जो कलर की चक्री है इसे मैंने ऑलरेडी डाउनलोड किया हुआ है, और इसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया, वहाँ से आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं।
सेलेक्ट किया इसे, ये पूरी स्क्रीन पर इस तरीके से आ गया। अब आपको सीजर के साइड से जो बॉक्स बना हुआ है आप उस पर क्लिक कीजिए, और ऑफ के साइड से जो वाइट बॉक्स है आप उस पर क्लिक कीजिए। तो इस तरीके से पूरी फुल स्क्रीन पर ये अप्लाई हो चुका है। स्प्लिट स्क्रीन लिखा हुआ है वहाँ पर आप क्लिक करके बैक आ जाइए और थोड़ा नीचे की तरफ आइए। यहाँ पर आपको दिखेगा ब्लेंडिंग, आप उस पर क्लिक कीजिए। ब्लेंडिंग पे क्लिक करने के बाद आप थोड़ा नीचे की तरफ आइए, यहाँ पर आपको दिख रहा होगा मल्टीप्लाई, आप उस पर क्लिक कीजिए। तो इस तरीके से मल्टीप्लाई कलर में अप्लाई हो चुका है, वैसे आप पूरी फुल स्क्रीन पे से अप्लाई कर दीजिए और यहाँ से आप टिक पे क्लिक करके सेव कर दीजिए। वापस वीडियो के स्टार्टिंग में आ जाइए आप। अब फिर से लेयर पर जाइए, अब मीडिया पर जाएंगे। अब आप यहाँ से अपनी फ़ोटो आप वो सेलेक्ट कीजिए जो आप इसमें लगाना चाहते हैं। जिस तरीके से मैंने इस फ़ोटो को सेलेक्ट किया और एडजस्ट कर दिया, और इस फोटो को मैंने पूरी वीडियो में अप्लाई करना है तो इस तरीके से खींच दिया मैंने पूरा। वीडियो के स्टार्टिंग में आ गए, ओके पे क्लिक करके मैंने इसे डन कर दिया। अब क्या करना है, जो मैंने चक्री इसमें ऐड की है उस चक्री पे फिर से क्लिक कीजिए एक बार, है ना, और जो लिखा हुआ है ओवरऑल एनिमेशन आप उस पर क्लिक कीजिए। सबसे नीचे की तरफ आ जाइए, यहाँ पर आपको लिखा होगा क्लॉक वाइज, आप उस पर क्लिक कीजिए और इसे अप्लाई कर दीजिए। जब आपने ये चक्री को ऐड किया था कि आप उसी टाइम पर भी कर सकते थे, मैंने अब करके आपको बता दिया है। ठीक है फ्रेंड्स, तो अब आपको करना क्या है, अब आपको इसमें कुछ लाइटिंग लगानी है, इफ़ेक्ट्स लगाने हैं। तो लिखने का काम था ये तो पूरा हो चुका है, अब इसमें लाइटिंग लगानी है। तो उसके लिए क्या करना है दोस्तों, आप लेयर पर क्लिक कीजिए, उसके बाद जो टेक्स्ट लिखा था इसके ऊपर लिखा हुआ है ओवरले, जो हार्ट का मार्क बना हुआ है, अब उस पर क्लिक कीजिए। तो इस तरीके से ये सूट स्टार्स और स्पॉटिंग लाइट्स और सिमर ये चीज़ चाहिए आपको। तो ये आपको कहाँ से मिलेगी, जो नीचे लिखा होगा गेट मोर, आप इस पर क्लिक कीजिए। उसके बाद आपको वहाँ पर ढूंढना होगा स्पॉटलाइट और सूट स्पॉट लाइटिंग और सिमर, फिर वहाँ से आप उसे डाउनलोड कर लीजिए। जैसे आप डाउनलोड करेंगे तो वो सारी चीज़ें यहाँ पर शो करना स्टार्ट कर देगा। तो सबसे पहले इसमें से हम सेलेक्ट करते हैं सिमर, सिमर पर क्लिक कीजिए। यहाँ से मैंने हार्ट को सेलेक्ट किया, ओके कर दीजिए। इसे आप अपने अकॉर्डिंग छोटा बड़ा सेलेक्ट कर सकते हैं और आप इस तरीके से एडजस्ट कर लीजिए जो जैसे भी आप एकदम फिट बैठ रहा है आपका तरफ से। ठीक है फ्रेंड्स, और मुझे इसका डुप्लीकेट चाहिए, तो डुप्लीकेट करने से पहले हम इसको पूरे में अप्लाई कर लेते हैं। अगर आप डुप्लीकेट अभी कर लेंगे तो फिर दोनों को आपको खींच के अप्लाई करना होगा, इसलिए पहले मैंने अप्लाई कर लिया। थ्री डॉट पर क्लिक करके डुप्लीकेट बनाया, यहाँ से उठाया मैंने एक हार्ट को, इस साइड से मैंने ऐसे एडजस्ट कर दिया। ठीक है फ्रेंड्स, और मैंने यहाँ से टिक पर क्लिक करके सेव कर दिया इसे। उसके बाद फिर से मुझे लेयर पर जाना है और ओवरले का जो ऑप्शन आ रहा है उस पर क्लिक कीजिए। अब मुझे इसमें स्पॉट लाइटिंग लगानी है, तो स्पॉट लाइट पर आप क्लिक कीजिए और इस तरीके से आप कोई भी लाइट सेलेक्ट कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने इस लाइट को सेलेक्ट किया और इस लाइट को छोटा बड़ा अपने अकॉर्डिंग कर सकते हैं, और मुझे इस लाइट को घुमा कर लगाना है इस तरीके से। तो ऐसे लाइट को एडजस्ट कर दिया आपने, आप इसे चाहते हैं कि पूरी वीडियो में ये लाइट अप्लाई रहे तो इसके लिए आपने पूरे में खींच दिया इसे, ओके पे क्लिक करके सेव कर दिया। आप वीडियो के स्टार्टिंग में आ जाइए, फिर से आप लेयर पे क्लिक कीजिए, ओवरले पर क्लिक कीजिए, तो यहाँ से आप फिर से अगेन शूटिंग लाइट पर क्लिक कीजिए, सॉरी स्पॉट लाइट्स पर क्लिक कीजिए, और इस तरीके से ये लाइट सेलेक्ट कर लीजिए, ओके कीजिए। इसे आपने इस तरीके से घुमा लीजिए इसे, इसे हम लगाना चाहते हैं फोटो के इस साइड से। एडजस्ट करने के बाद आप इसे पूरी वीडियो में अप्लाई कर दीजिए और इसे ओके करके सेलेक्ट कर दीजिए। फिर से आप लेयर पर जाइए, ओवरले पर क्लिक कीजिए, और आप इसमें से फिर से आपको स्पॉट लाइटिंग पर जाना है। मैंने स्पॉट लाइट 2 भी डाउनलोड किया है, मैं उस पर क्लिक किया मैंने, और यहाँ से मैंने इसे सेलेक्ट किया, ओके किया, और इसे मैंने इस तरीके से घुमा लिया और इस तरीके से मैंने लाइट को इसे एडजस्ट कर दिया। यहाँ पर पूरा फुल में अप्लाई कर देते हैं इस लाइट को, ओके कर दिया। वीडियो के स्टार्टिंग में आ जाइए। अब आपको म्यूजिक इसमें ऐड करना है, तो म्यूजिक आप कोई भी डाउनलोड कर सकते हैं, जो भी म्यूजिक आप इसमें ऐड करना चाहते हैं वो आपको ऐड करने के लिए सबसे पहले आपको ऑडियो पर क्लिक करना होगा। यहाँ पर आपको ढूंढना होगा वो म्यूजिक कहाँ पर है आपका। जैसे मैं नीचे की तरफ आया, मैंने फोल्डर पर क्लिक किया, यहाँ पर मैंने उसे डाउनलोड किया था, हैप्पी न्यू ईयर 2021 व्हाट्सएप के नाम से सेव किया था उसे मैंने, उस पर क्लिक किया। जैसे उस पर क्लिक करेंगे बजना स्टार्ट हो जाएगा म्यूजिक, उसके बाद प्लस का जो मार्क आ रहा है उस पर क्लिक कीजिए, उसके बाद आप ओके कर दीजिए। तो ये आपका म्यूजिक इसमें ऐड हो चुका है। अब एक बार थोड़ा सा प्ले करके देखते हैं।
और फ्रेंड्स अभी इसमें कुछ और इफेक्ट डालना बाकी है, क्लिक कीजिए, ओवरले पर जाइए, मैं आपको इसमें ऐड करके दिखाता हूँ सूट स्टार के नाम से, इस पर क्लिक कीजिए, सेलेक्ट किया, ये इस तरीके से आएगा, तो इसे हम यहाँ पर इसे अच्छे से एडजस्ट कर देते हैं, उससे हम इसे का डुप्लीकेट करते हैं, इस साइड से मुझे लगाना है, यहाँ पर लगा दिया, ठीक है फ्रेंड्स, ओके कर दिया। अब मैं चाहता हूँ स्टार्टिंग में तो ये वाला इफेक्ट लग गया जो आपने देखा होगा, अब यहाँ पर आपको कुछ ऐड करना है, तो फ्रेंड्स आप इस तरीके से आपको जितने और भी इफेक्ट ऐड करना है वो आप लेयर पर क्लिक कीजिए और यहाँ से आप ओवरले पर क्लिक कीजिए और आप यहाँ से बहुत सारे इफेक्ट आप ऐड कर सकते हैं, उसके बाद ओके कर दीजिए। जब आपकी वीडियो पूरी बनकर तैयार हो जाए उसके बाद आपको राइट कॉर्नर पर ये एरो का ऑप्शन दिख रहा होगा अप एरो का, आप उस पर क्लिक कीजिए, उसके बाद यहाँ से आप जितने क्वालिटी में रेजुलेशन में आप वीडियो अपलोड डाउनलोड करना चाहते हैं तो इसे आप सेलेक्ट कर लीजिए, जैसे मैं HD में करना चाहता हूँ 720 पिक्सल, उस पर क्लिक कीजिए और पिक्स एक्सपोर्ट कर लीजिए यहाँ से, जैसे एक्सपोर्टिंग कंप्लीट हो जाएगी ये फाइल आपके गैलरी में सेव हो जाएगी, फिर आप उसे किसी के पास भी शेयर कर सकते हैं।